नहीं, मुझे हैरत नहीं हुई ये सुनकर। मुझे हैरत इस चीज की है कि तुम्हें अब तक समझ क्यों नहीं आई ये बात। लड़कियां तो हमेशा से थीं, वो तो हमारी शादी के दिन भी थीं। मुझे लगा था तुम एक समझदार औरत हो जो इस बात को अच्छी तरह समझ सकती है। तुम वो नहीं जिससे मुझे मोहब्बत हुई थी। अरे मोहब्बत कहां से बीच में आ गई नूरान, समझती क्यों नहीं? हमारा जो ये रिश्ता है उसे मोहब्बत अगर तुम समझती हो तो ये मुनासिब नहीं। अब तुम कोई जवान लड़की तो नहीं, तो खुदा के लिए इस किस्म की बातें करके बोर मत करो मुझे। तुम अच्छी तरह से जानती थी कि किससे शादी कर रही हो। मैं ऐसा ही हूं, मुझे औरतें पसंद है। क्या तुमने भी मेरी इस कमजोरी का फायदा उठाकर मुझे नहीं फंसाया था क्या? हाँ, भूल गई हो क्या? अगर तुम्हें यह सब बर्दाश्त नहीं, वो रहा दरवाजा, जब चाहे जा सकती हो, लेकिन अगर तुम रुकना चाहती हो तो मुझे इसी तरह कबूल करना होगा और तुम इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहोगी। ऐसी बातों से ऊब चुका हूं मैं, ऐसी बातें और थका देती हैं मुझे। तुम्हारी चोटी तो बहुत अच्छी बन गई है। नानी मुझे भूख लग रही है। मेरी जान जैसे ही तुम्हारे मामू आते हैं हम चलते हैं। हैरत है, अच्छा लग रहा हूँ मैं। हाँ मगर ये डिनर हजम नहीं हो रहा मुझे। क्यों जा रहे हैं हम डिनर पे बेटा? किस बात का जश्न मना रहे हैं हम घर को गिरवी रखने का? अल्लाह का वास्ता है अम्मी, इतने दिनों बाद तो कुछ कर रहा हूँ मैं। आज मूड खराब ना करें तो अच्छा रहेगा। घर का मसला भी मैं हल कर लूंगा, देख लूंगा अम्मी वो भी। देखो उस पैसे को बर्बाद मत करना, दोबारा कह रही हूँ जेहून, जहन में बिठा लो अपने। मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? मामू आ गए। अम्मी ये बात हमारे बीच रहे मर्द को मत बताइएगा। आज आप इतनी ज्यादा प्यारी क्यों लग रही हैं? हाँ क्योंकि मैं एक शहजादी हूँ। वो तो हो ही मामू की शहजादी। अच्छा इधर आओ। खुश आमदीद। ओ दिलारा बेटा, रानी और शहजादी को तो देखो कहाँ जाया जा रहा है। तुम्हारा भाई हमें डिनर पर ले जा रहा है। भाई? हाँ क्यों? क्या क्यों? आप लोग इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? मैं इस घर का फर्द नहीं हूँ क्या? मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? क्या घर वालों को डिनर पर नहीं ले जा सकता? असल में अम्मी भी जानती हैं कि हमारी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, इसलिए चौंक गया। बहुत बदतमीज हो तुम, मजाक उड़ा रहे हो मेरा। ठीक है हाँ चले। चलो अब जल्दी चलो, भूख लग रही है। चले ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुके भाई, वो फैसला बदल लीजिए, अभी वक्त है। या मैं उधार दे दूं? आपको आदत नहीं, फिर से चढ़ जाओगे और मैं झेलता फिरूंगा। बहुत बेशरम इंसान हो तुम, तुम्हें तो बाद में बताता हूँ। अब लड़ो मत, जल्दी चलो, कितना तंग करते हो तुम अपने भाई को। अरे वाह, देखो कितना लाजवाब पुलाव बनाया मैंने, बिखरे बिखरे चावल माशाल्लाह। ये सिर्फ तुम दोनों के लिए बनाया है। आपका शुक्रिया बाबा जान। शुक्रिया की कोई बात नहीं मेरी बच्ची। हाँ ये लो प्रोटीन, तुम भी लो, इतना काफी है। बस कर दे बाबा, मैं इतना नहीं खाऊंगी। तुम लोग अभी बड़े हो रहे हो। अब बड़ी हो चुकी हूं मैं, मजीद बढ़ने का वक्त अब गुजर चुका है। सही कहा बाहर, सही कहा, लेकिन तुम मेरे लिए आज भी वही हो जो पीछे पीछे आती थी, बाबा जान कहते हुए। मेरी बच्चियों, मैंने सब तरफ अप्लाई कर दिया है काम के लिए, बहुत जल्द तुम एक्शन में देखोगी बाबा को। बैठ के इस तरह इंतजार मत करें, अगर मैं आपकी जगह होती तो दुकानें छान मारती नौकरी के लिए। देखो दुकान दुकान घूमने के लिए अब मुझ में इतनी ताकत नहीं रही, बहुत जल्द थक जाता हूं मैं।
मुझे तो घुटन सी होने लगती है, सीने में जरा घुटन सी महसूस होती है, सांस लेने में भी तकलीफ है। तो क्या आप दिल के मरीज हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन थकन हो जाती है, बुढ़ापा जो आ गया है मुझ पर। तुम्हारा बाबा जवान दिखता है बस, लेकिन बुढ़ापा है ना, एक पांव कब्र में लटका है। तौबा कीजिए बाबा, ऐसी बातें मत करें। नहीं कहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अरे हाँ, वैसे भी हम लोग मरने वरने की बातें क्यों कर रहे हैं, कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं हम लोग। मैंने तरबूज काट के रखा था, रुको जरा, मीठा खाएंगे तो मीठी मीठी बातें करेंगे। आपा, मसाला क्या है आपको? आप क्यों उनके पीछे पड़ी रहती हैं हमेशा? तुम बीच में मत बोलो। अगर उन्हें हमारे साथ रहना है तो इस तरह नहीं बैठ सकते, काम करना होगा उन्हें। एक और बात, ये लो, ये कल मकान मालिक को दे आना, संभाल के रखना ये। ठीक है। बानो, किस बात का इंतजार है, उठा के रखो। आपा, किस बात की जल्दी है आपको? मैं ये नहीं चाहती बाबा को मालूम हो, अब रख कर आओ इसे। आपा, उन पर भरोसा करें, क्या वो हमारा पैसा चुराएंगे? बाबा है वो। बानो, जो कहा है वो करो तुम, मुझे उन पर भरोसा नहीं है, ऐसे ही है वो। मेरी बच्चियों, तुम्हारे बाबा जो तरबूज लेकर आए, आज से पहले इतना मीठा तरबूज तुमने नहीं खाया होगा। ये देखो। अंदर आ सकती हूँ मैं? आओ बेटा, आ जाओ। आप यहाँ सोएंगी आज? अपने कमरे में नहीं जा रही? शायद आपने बात कर ली। क्या जवाब मिला? और हो भी क्या सकता था अम्मी जान, मुकर गए ना वो, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। अम्मी, आप कभी इस आदमी को माफ मत कीजिएगा, हरगिज नहीं। मैं जानती हूं आपके दिल पे चोट लगी है, दुख हुआ है, पर प्लीज रोना बंद कर दें अब। मैं हूं तो आपके पास, बेसहारा भी नहीं है आप। अभी इसी वक्त आप मेरे साथ चलें तो हम एक खूबसूरत जिंदगी शुरू कर सकते हैं। साथ दीजिए मेरा, एक दूसरे के साथ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए हमें। प्लीज नहीं रोएं अम्मी। ओह मेरी जान, मेरी गुड़िया, मेरी शहजादी, शुक्र है कि तुम मेरे पास हो। किसी ने आज शायद कोफ्ते बनाए हैं, अम्मी भी बहुत अच्छे बनाती हैं। मेरी प्यारी अम्मी,
हेलो अम्मी, सो रही हैं क्या? अच्छा अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। नहीं ठीक हूं मैं, आपकी याद आ रही थी मुझे तो कॉल कर ली बस। क्या घर? जी जी मिल गया, थोड़ा छोटा है पर मैनेज कर रहा हूं जी। एक कमरे का, बड़ा घर ले लूंगा तो आपको भी बुला लूंगा मैं। बालकनी वाला चाहिए? ठीक है मिल जाएगा। क्या खाना? अपने लिए पास्ता बनाया है मैंने, ऊपर से आपकी बनाई सॉसेस डाली है तो मजा ही आ गया। वैसे आप जितना अच्छा नहीं बना पाया, लेकिन आप आकर बना दीजिएगा ठीक है। बालकनी पर बैठकर माँ बेटे चाय पियेंगे सुकून से। ठीक है अम्मी? नहीं नहीं चलिए अम्मी, बाद में बात करता हूं मैं। जी ठीक है। बानो, बानो सो रही हो बेटा? बानो बेटा, अल्लाह का वास्ता है अम्मी, इतने दिनों बाद तो कुछ कर रहा हूँ मैं। आज मूड खराब ना करें तो अच्छा रहेगा। घर का मसला भी मैं हल कर लूंगा, देख लूंगा अम्मी वो भी। देखो उस पैसे को बर्बाद मत करना, दोबारा कह रही हूँ जेहून, जहन में बिठा लो अपने। लेकिन इसे तो पैसा बर्बाद करना नहीं कहते, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट बुराक यार। तहसीन बताओ नाश्ता कैसा बना है? सब कुछ मैंने खुद बनाया है। लाजवाब बना है नूरान। तुम्हारा फेवरेट पनीर भी मंगाया है, ये लो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ हाले, गुड मॉर्निंग। देखो मेरी जान, तुम्हारी माँ ने कितना शानदार नाश्ता बनाया है मेरे लिए। आओ साथ में नाश्ता करते हैं। देखा तुमने, ये कितनी हैरत से देख रही है हम दोनों को एक साथ। तहसीन मैं अभी आती हूँ। हाले 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 स्वीटहार्ट, रुको डार्लिंग, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं आपकी बात, क्या सुनूं मैं?
क्या हमने यहाँ से जाने का फैसला नहीं कर लिया था? लेकिन सुबह देखती हूँ तो आप अपना इश्क ताज़ा करके बैठी हुई हैं। हद होती है, मैं पागल हो जाऊंगी। मेरा दिमाग खराब कर दिया है आपने। हाले, रिलैक्स हो जाओ तुम। मैंने कभी नहीं कहा कि ये घर छोड़ूंगी। यानी आप यही रहेंगी? आप में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है क्या? इस आदमी ने जो किया वो भूल जाएंगी आप? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं वकील बनते ही इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। याद रखिएगा मेरी बात, में झूठ नहीं बोल रही, और उस वक्त आपका रोकना बिल्कुल काम नहीं आएगा, जान लीजिए। नूरान सुनो, चाय ठंडी हो रही है, आओ ना। आ रही हूँ डार्लिंग। आपा, वो किराए के पैसे कहाँ चले गए मेरे रूम से? आपने लिए हैं क्या? नहीं, मैं क्यों लूंगी? फिर कहाँ गए पैसे? मुझे क्या मालूम, मैंने रात को खुद शेल्फ पर रखे थे, वहाँ नहीं है। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कहीं नहीं मिल रहे वो। क्या तुम्हें यकीन है तुमने वहीं पर रखे थे पैसे? मुझे याद तो है, मगर यकीन से नहीं कह सकती मैं। जब मैं कमरे में गई तो मुझे वहाँ नहीं मिले पैसे। इसका मतलब है बाबा ने? आप क्या कह रही हैं? बाबा ऐसा नहीं कर सकते। तुम नहीं जानती, तुम बहुत नादान हो बानो। तो बताओ कहाँ है पैसे और कहाँ है तुम्हारे बाबा? नहीं पता ना तुम्हें? मैं बताती हूँ, वो भाग चुके होंगे इस्तांबुल से। मैं नहीं मान सकती उन्होंने ऐसा किया। कैसे नहीं किया होगा उन्होंने बानो? उस शख्स ने हमारी माँ को हमसे दूर किया, हम दोनों के बचपन को बर्बाद कर दिया उस शख्स ने, तो पैसा क्या चीज है? सुबह बखैर बच्चियों, स्ट्रॉबेरी लाया हूँ, स्ट्रॉबेरी। तुम लोगों के लिए देखो क्या ताजा ताजा फल लेकर आया हूँ, आओ खाते हैं। बेटा क्या हुआ तुम्हें? किसने रुलाया तुम्हें? किसके पैसे से लेकर आए हैं आप ये सब? क्या मतलब किसके पैसों से? नजीब से लेकर आया हूँ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने कहा बच्चियों के लिए फल चाहिए, उसने दे दिए। इसमें गुस्से की कौन सी बात है? उससे मेरा उधार चलता है। खुदा का वास्ता झूठ मत बोले, ये सब हमारे पैसे चुरा कर लाए हैं ना? आपा चुप हो जाए। तुम्हारे पैसे चुरा के? जी हाँ, हमारे पैसे। हद कर दी है बाहर, सोच भी कैसे सकती हो तुम? ये क्या कह रही बानो? इन्होंने कल रात मुझे किराए के पैसे दिए थे लिफाफे में, वो गायब है। वाह भाई, पैसा गायब हो गया और तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो, अपने बाबा पर? नहीं बाबा जान, मैंने नहीं किया। हम क्यों ना आप पर शक करें? इस तरह पैसे गायब हो जाना क्या नई बात है? अब जो पैसे चुराए हैं वो वापस कर दीजिए, क्योंकि वो हमारे इस महीने का किराया था। समझ गया, समझ गया मैं। वो वाला शेल्फ खोलो जरा, किताबों पर एक लिफाफा रखा है, शायद तुम लोग उसे ढूंढ रहे हो। सुबह जब मैं जा रहा था तो उसे वहां देखा था। तुम मेरा यकीन करो या ना करो, मैंने इन्हें छुआ तक नहीं है। मैं रात को बहुत नींद में थी, सो नहीं पाई ठीक से, ध्यान नहीं रहा मुझे। हो जाता है बेटा, अब तुम रात भर पढ़ती हो, नींद आना नॉर्मल बात है। ये लो, ये पूरे पैसे हैं, कल लाजमी दे आना उन्हें। बानो, वो लिफाफा कहीं बेहतर जगह पर रखना जहां तुम्हें याद रहे, क्योंकि इस बाप का ये दिल और ज्यादा इल्जाम बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखता। बाबा हमसे गलती हो गई, माफ कर दे, माजरा चाहती हूं। कोई बात नहीं बेटी, मेरे चांद के टुकड़े। मैं जा रही हूं, शाम में मुलाकात होगी। बाहर बेटा, जानता हूं तुम मुझे पसंद नहीं करती और ना ही मुझ पर एतमाद है, पर मैं अब बहुत बदल चुका हूं, मैं अब वो इंसान नहीं रहा, मान लो मेरी बात। खुश रहो।
इस घर में तो मैं परमानेंट हूं। जलती रहो बाहर, जलती रहो। तुम्हें एहसासे जुर्म देकर मैं इस घर में टिका रहूंगा। पापा, क्या हुआ? बाबा से माफी नहीं मांगेंगी आप? पापा, आप उन पर बेवजह इल्जाम क्यों लगा रही हैं? आपको कोई पछतावा नहीं? हाँ, मुझे भी बुरा लगा। मैंने बिला वजह उन पर इल्जाम लगाया, लेकिन माफी मांगूंगी मैं। असल में उन्हें हमसे माफी मांगनी चाहिए बानो, वो भी अनगिनत। किराया देना मत भूलना। बानो, इसकी मट्टी बदलनी पड़ेगी, अब ये पुरानी हो चुकी है। देखो जरा इन्हें, आओ पानी डालें इनमें, शाम में हम इनकी मट्टी बदल देंगे। ओहो अल्लाह, एक ही रात में तुम इतना ऊपर कैसे चले गए? बहुत आला। क्या हो रहा है? हा? हुआ क्या? क्या हुआ? क्या है इसमें? क्या कह रहे हो? है क्या, दिखाओ। हाँ, वो मुझे खुशखबरी मिली है। हमारी टीम है ना, हाँ, संभाजी में ट्रांसफर हो गया उनका। बहुत आला, चलो खैर है। मेरा मूड अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बिगाड़ना नहीं चाहता। ठीक है, बात सुनो मेरी, सेको लेने आ रहा है, छोड़ दो तुम्हें भी? नहीं, लेकिन शुक्रिया आपका। गाड़ी लूंगा माहिर भाई के यहां से, मुझे चाहिए। गाड़ी लाओगे तुम? गर्लफ्रेंड बन गई है क्या तुम्हारी? बन गई है। अब यहां पर गर्लफ्रेंड कहां से आ गई? पास आओ जरा, रुको तो सही यार। देखो दूर से ही महक आ रही है, पर पास से बहुत अच्छी आ रही है वाकई। आज तो अच्छे भी लग रहे हो बहुत ज्यादा। अच्छा लगने के लिए गर्लफ्रेंड होना बहुत जरूरी है क्या? मैं जा रहा हूं। जरूर कोई तो चक्कर है, पता लगा लूंगा मैं। मेरे प्यारे भाई। हाँ ठीक है, तो फिर वहीं मिलेंगे हम लोग। यार ठीक है, जानता हूं, मैं जगह ढूंढ लूंगा, तुम बस लोकेशन भेज दो मुझे। हाँ थोड़ी देर में निकलता हूं, एक घंटे में पहुंच जाऊंगा। हाँ ठीक है। कॉफी हाजिर है? रहने दो जान, कॉफी के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन अभी मुझे निकलना होगा फौरन। कितने प्यार से कॉफी बनाई है, ये तो पी के जाओ। बहुत जरूरी मीटिंग है, बुलाया है मुझे, जाना होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, हैव अ गुड डे। वो नूरान, तुम्हें एक नेकलेस पसंद आया था याद है? आज उसे मैं ऑर्डर कर दूंगा, कल तुम्हें खुद लेने जाना होगा या फिर ड्राइवर को भिजवा देना वहां। तहसीन डाले, तुम्हें याद है अब तक वो? मैं तुम्हारी कोई चीज नहीं भूलता नूरान। थैंक यू सो मच मेरी जान, वो मैं खुद पिक कर लूंगी, कल शॉपिंग पे जाना है वैसे मुझे। तो फिर ठीक है, शाम को मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। सॉरी कॉफी मिस कर रहा हूं तुम्हारा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी गाड़ी है ये? नहीं, किसी से ली है।
टैक्सी से पीछा करना बहुत मुश्किल पड़ता है। इस काम को तुम बहुत संजीदगी से ले रहे हो, देख रही हूँ मैं। हाँ, अगर मैं सरदवान को सही साबित कर दूं तो मुझे लगेगा कि अपने बाबा की बेगुनाही साबित कर दी मैंने। जानता हूँ बचकानी बात है थोड़ी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बचकानी बात नहीं है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी इसमें। बाहर आज हम काम खत्म होने के बाद कहीं बाहर बैठकर बात कर सकते हैं, क्या ख्याल है? पता नहीं, देखेंगे कितना टाइम लगता है, पहले वीडियो भेजने वाले से मिल लें हम। अल्लाह अल्लाह, ये क्या पूछ लिया मैंने? तहसीन साहब, खुश आमदीद। तुम्हारे यहां आने का शुक्रिया अरकान। मुबारक हो। रात गई बात गई। लेकर आए हो तो आपके अलावा किसको देता ही है? चेतन, उसे बोलने क्यों नहीं देते? ये आपके अलावा मैं किसी को भी नहीं देना चाहता था। आप अपना वादा निभाएंगे ना? अच्छा किया, फिक्र मत करो। मैं अगर जबान दे दूं तो उससे कभी भी नहीं पलटता।
एक वकील हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है। उसका नाम दुहान है। उसे इस केस से हटाना होगा। जिद्दी है, बातों से नहीं मानने वाला। उसे हम किसी और तरीके से समझा देंगे। अगर ये रिकॉर्डिंग शुरू में ही ले आते तुम तो फौरन पैसे मिल जाते। आप जानते हैं कि मैंने क्यों नहीं दिया। ये मेरा लाइफ इंश्योरेंस था। अब तक मैं इसी की बदौलत जिंदा रहा। मुझे गारंटी तो चाहिए ही थी। अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो ये रिकॉर्डिंग क्यों लाए मेरे पास? अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर तुमने मुझे मारा तो दुहान तुम्हारे पीछे आएगा। मैं एक बिजनेसमैन हूं, कोई कातिल नहीं। एक बच्ची की जान तो गई, कहां किसने था? तुमने। वो एक एक्सीडेंट था। हदफ दुआन येनर था। वो बच्ची तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मारी गई। अब ऐश करना इससे। यहां की कॉफी बहुत मशहूर है, जरूर पीना।